छोड़ दिया तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, देन और अंदर की तरफ जाएगा, एक सर्टन पॉइंट तक जाएगा, फिर बाद में वापस आएगा, फिर वापस बाहर आएगा, देन वापस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, ऐसा कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होते रहेगा कंटिन्यूअसली। तो इस मूवमेंट जहां पर कंटिन्यूअस आगे पीछे वाइब्रेट होती है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ओके, यहाँ से यहाँ पर आती है, यहाँ से यहाँ अंदर की तरफ जाती है, फिर सिमिलरली बाहर की तरफ, सिमिलरली बाहर की तरफ जाती है। आई बिलीव आई एम क्लियर दिस मच। ओके, अब यही चीजों को हम थोड़ा डिटेल में सीखेंगे इन दिस चैप्टर। ओके, सो अब तक सब कुछ क्लियर है ना आप लोगों को? ये ओके ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। सो ठीक है, तो अभी यहाँ पर सबसे पहली बात, ठीक है, आई विल यूज बोर्ड, आई विल यूज द बोर्ड फॉर सम टाइम। अब यहाँ पर इफ यू सी, इट्स लाइक वी आर गोइंग टू डील विद द चैप्टर कॉल्ड एज ऑसिलेशन। नाउ दिस चैप्टर कॉल्ड एज ऑसिलेशन, इसको सीबीएसई सिलेबस में या फिर एंट्रेंस लेवल पे एक और नाम से बुलाया जाता है, SHM, SHM स्टैटिक मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली कैसा मोशन होता है, अब जो भी टू एंड फ्रो मोशन होती है, लाइक दिस टू एंड फ्रो मोशन जो होती है ना, ये टू एंड फ्रो मोशन को हम बुलाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, लाइक जाती है आती है आती है, ऐसा चलता ही रहता है। सो कोई भी रिपीटेड, अभी कोई भी लीनियर मोशन जो रिपीट होती है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल वाइब्रेशन ऑफ गाड़ी का, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि वो इंजन ऑयल के एडवर्टाइजमेंट्स के टाइम दिखाते हैं कि वो गाड़ियों के पिस्टन के बीच में जब इंजन ऑयल जाती है तो पिस्टन बहुत स्मूथली काम करती है, लाइक दिस। तो ये पिस्टन जो ऊपर नीचे होती है, सो दैट इज ऑल्सो सेंट्रल हार्मोनिक मोशन। सिमिलरली पेंडुलम, पेंडुलम की अगर बात करें तो पेंडुलम सीधा मतलब ऐसा कर्व बना के जाती है, लेकिन जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आती है, उसी पाथ से वापस जाती है, उसी पाथ से वापस जाती है। कई कई वाटर पार्क के जो राइड्स होते हैं, ओके, वो राइड्स भी ऐसे होते हैं, इट्स लाइक ड्रैगन जैसा एक शेप होता है, वो ड्रैगन जैसे एक बोट, बोट जैसा एक शेप होता है, उसमें सभी को बैठा होता है, वो बोट ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाती है, देन उसको वापस नीचे की तरफ लेके, वापस इधर ऊपर लेके जाती है, देन वापस नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे चलता ही रहता है। सो दैट इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ऑल दीज एग्जाम्पल, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर। ओके, सो ये रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है वो स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल जो आपने अभी देखा। सो इट्स लाइक दिस कि अगर मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने उसको एक ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया, ये रहा फ्लो। अब ये ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया, मान लेते हैं कि एट प्रेजेंट इसका जो लेंथ होगा, ये लेंथ को मैं चलो एल बुला लेता। सी जनरली ऐसे सारी चीजों में जो लेंथ होती है ना, वो उसके ब्लॉक के सेंटर से हम मेजर करते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, इसको मैंने खींच के ऐसे यहां पर ले गया, खींच के अगर यहाँ पर लेके आया, मान लीजिए मैं ब्लॉक मैंने खींच के यहाँ पर ओवर हियर, मैं इसको डॉटेड लाइन से, या फिर एक काम करता हूँ उसको ना मैं ब्लू मार्कर से बनाता हूँ, खींच के दूर लेके गया, सो ब्लॉक अगर यहाँ पर है, सो एट दिस पोजीशन मैंने किया ब्लॉक को फ्रॉम दिस पोजीशन टू द अदर पोजीशन, मैंने एक्स का डिस्प्लेसमेंट लिया, लेट मी कॉल द राइट साइड वाले जो को पॉजिटिव, सो डिस्प्लेसमेंट जो है ना उसको पॉजिटिव साइन से मैं डिनोट करूंगा। तो एट द सेम टाइम ये ब्लॉक को खींच के लेके, अभी आपको तो बताया आपको खींच के लेके, तो स्प्रिंग के स्ट्रेच हुई है, इस तरह स्प्रिंग स्ट्रेच होती है तो स्प्रिंग डेफिनेटली उसको ना रिटर्न खींचने की कोशिश करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है उसको रिटर्न खींचने के लिए। तो जो भी फोर्स अप्लाई कर रही है स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर रिटर्न लेके आने के लिए, उस फोर्स को हम बुलाते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दिस ब्लॉक इज एक्सपीरियंसिंग अ रीस्टोरिंग फोर्स बिग फ्रॉम द स्प्रिंग, which will be in the opposite direction. तो उसको मैं मतलब obviously direction देके आप समझ जाओगे कि मैं उसको plus या minus लिखने की जरूरत नहीं है, obviously minus sign के तरफ आएगा। okay, ठीक है, ये तब ये कब हुआ जब मैं ब्लॉक को उस तरफ लेके गया। अब मान लीजिए ब्लॉक को उस तरफ लेके जाने की जगह पे तू इस तरफ लेके आया, दैट इज ब्लॉक को दबा दिया इस तरफ, तो दबा दिया तो क्या होगा, जो स्प्रिंग है ना वो ऐसे दब जाएगा, दब जाएगा और ब्लॉक जो है ना ब्लॉक यहां पर आएगा। जब ब्लॉक यहां पर आएगा तो इसके सेंटर से अगर देखेंगे तो ये भी तो एक डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूँ, लेट मी कॉल दैट एक्स एस माइनस एक्स, ओके, वेयर नेगेटिव साइन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। तो यहां पर क्या होता है, जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग उसको फिर खींचेगा नहीं, स्प्रिंग को दबा रहा है, तो स्प्रिंग है ना एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, तो एक्सपांड होने की कोशिश करेगी मतलब वो आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी, उस फोर्स को हम प्लस फोर्स बुलाएंगे। So here what is happening? अभी सिंपल सा फंडा है कि भाई
हम जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है स्प्रिंग, एंड जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि मेन पोजिशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगा मैं, उस तरफ हो या इस तरफ हो, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगा उतना ही ज्यादा फोर्स होता है। आई कैन सी दैट द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, restoring force exerted by the spring. F is directly proportional to x. जितना ज्यादा लेकिन यहाँ पर एक हाईलाइट है, एक्सटर्न राइट हैंड साइड की तरफ है फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, एक्सटर्न लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा फोर्स राइट हैंड साइड की तरफ होगा। तो इन शॉर्ट इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव साइन है, जस्ट स्टेटिंग कि भाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ये जो फोर्स है प्रोपोर्शनल, उनकी वजह से एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट डाल सकता हूँ, एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट बुलाकर माइनस एफ एम के इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बाय द वे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज ऑलवेज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यूज कैन नेवर बी नेगेटिव। सो आई विल से कि इस पे मैं मॉड डाल दूंगा एफ अपॉन एक्स के। मॉड क्यों डाल रहा हूं मैं बता रहा हूं, सी नेगेटिव साइन इज ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। जब मैं फोर्स एक्सप्रेस करूंगा मैं नेगेटिव साइन डाल सकता हूं बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्रेस करूंगा करते हुए एक नेगेटिव साइन हम डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस थिंग this k it's a scalar quantity and scalar quantity ke there is no negative, so it's a constant, constant ko bhi negative nahi hota, to isi wajah se mod aata hai yahan par, there is no negative constant. So in short mai bol raha hu ki this k is a force upon x, where this k is called as spring constant. Usko hum log spring constant isliye bulate hain kyunki wo k purely spring ke upar depend karti hai aur kisi ke bhi upar depend nahi karti. Ab yahan par theek hai, matlab spring ka kaisa structure है, कैसा मटेरियल है, थिक स्प्रिंग है, थिन स्प्रिंग है, थिन स्प्रिंग रहेगा तो फोर्स जो होती है वो कम देती है रिस्टोरिंग फोर्स, वेयरएज थिक स्प्रिंग रहेगा तो फैक्टर्स ये के पे डिपेंड करती है। ठीक है, हम समझ गए कि भाई जो फोर्स है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पर किसी ने पूछा कि ठीक है भाई आप तो सही बोल रहे हो, जैसे अभी सीधी सी बात है मैंने इसको प्रेस किया, यहाँ पर प्रेस करने का यहाँ से अगर मैंने रिलीज किया, रिलीज किया तो क्या होगा, ये एट प्रेजेंट जब मैंने रिलीज किया एट प्रेजेंट इसका वेलोसिटी जीरो है, बट एट दिस पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स के टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगी वो भी मैक्सिमम होगा, उस एक्सेलरेशन से उसको आगे की तरफ पुश किया जाएगा, एंड पुश करते करते यहाँ पर जब पहुंचेगी यहाँ पर पहुंचते पहुंचते फोर्स जीरो हो जाती है, फोर्स जीरो हो जाती है मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाती है। बट ठीक है, जो मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखते हैं, जनरली एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है, इट्स बेसिकली फोर्स ऑफ मास। बट ये जो फोर्स है ये फोर्स के जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस के एक्स, तो इसके जगह मैं माइनस के एक्स लिख सकता हूँ, वेर के जगह पे के अपॉन एफ बोल सकता हूँ, सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू माइनस सॉरी माइनस के अपॉन एम एक्स, मतलब ये जो वेक्टर साइन है ना उसके साथ मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब ये देखे मुझे याद आता है सेंट्रीपेटल फोर्स, बट सेंट्रीपेटल फोर्स जो होती है या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो होती है इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये याद करना, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने सीखा है। तो बेसिकली मैंने इसको सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन के साथ क्यों कनेक्ट किया मैं बताता हूँ। सी फिजिक्स में काफी सारी चीजें हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको अच्छे से समझ में आना तो आप आपके नोइंग टॉपिक्स के साथ उसको कनेक्ट कीजिए तो इजीली समझ में आ जाती है। अब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का काम क्या होता था, सी इफ यू रिमेंबर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के टाइम पे ये जो बॉडी है ना ये बॉडी एक्चुअली दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वजह से वो हमेशा ही अंदर की तरफ चिपकी रहती है, मतलब सर्कल के साथ चिपकी रहती है, ओके स्टिक रहती है। तो बेसिकली सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या कर रही है, उसको हमेशा अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर भी ध्यान देना, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सो एट दिस मोमेंट यहाँ पर फोर्स
इस तरफ है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा. एट दिस मोमेंट फोर्स उल्टे डायरेक्शन पे है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी उल्टे डायरेक्शन पे होगा. व्हाट डू यू नोटिस? ये मेन पोजिशन, मेन पोजिशन को सेंटर की तरफ माना, तो अगर ये सेंटर है तो यहाँ के फोर एक्सेलरेशन इस तरफ फेस कर रही है, वहां के एक्सेलरेशन इस तरफ फेस कर रही है. इन शॉर्ट जो भी दोनों एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ फेस कर रही है. सिंस द एक्सेलरेशन इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, तो इसी वजह से आई कैन कनेक्ट दिस एक्सेलरेशन विद द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, बिकॉज सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ऑल्सो फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, तो ये भी सेंटर की तरफ फेस करती है. तो इसके साथ अगर मैं कनेक्ट करूंगा, देयरफॉर आई कैन से, देयरफॉर दिस इज, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू. बोलूंगा फ्रॉम वन एंड टू आई कैन से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, और ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम. Where in circular motion हम इस omega को बुलाते थे angular velocity, if you remember. But यहाँ पर अगर आप देखेंगे, it's not performing circular motion. So even though we are connecting with omega, but we will not call this omega as angular velocity because there is no velocity. Angular velocity है ही नहीं यहाँ पर, कोई भी चीज नहीं घूम रही है. Then what will we call it as? We will call this as angular फ्रीक्वेंसी. हमने बेसिकली कनेक्ट इसको इसीलिए किया है क्योंकि कोई भी चीजों को कनेक्ट करके सीखते हो ना जल्दी समझ में आता है. तो हमने इसको सर्कुलर मोशन के साथ इसीलिए कनेक्ट किया क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है, तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन के साथ कनेक्ट किया है. बट उसमें जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन में जो ओमेगा था, दैट वाज इन सर्कुलर मोशन, इट वाज एंगुलर वेलोसिटी. बट इन दिस केस वी विल नॉट कॉल इट एज एंगुलर वेलोसिटी बिकॉज़ इट इज नॉट सर्कुलर मोशन. वी विल गिव दिस थिंग सम अदर नेम, दैट इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Okay, I believe I am very much clear. So, ये रहा हमारा spring. Spring के केस में restoring force क्या होता है मैंने आपको सिखाया. इसके अंदर से spring constant क्या होती है सिखाया. Spring constant को connect करके acceleration का expression सिखाया. Centripetal force से connect करके acceleration का दूसरा expression सिखाया. फिर इन दोनों को connect करके मैंने आपको बताया कि angular velocity, angular frequency जो कि एक नया term होती है, जिसका expression मैंने आपके सामने represent कर दिया है. So, I believe I am very much clear. मैं काम करता हूँ, mic remove करता हूँ. Just give me a moment.